क्यों हमें साथ आने पर मजबूर किया? क्या चाहती हो? इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है सप्तरूपा। इसने तुम्हें बाहर जरूर निकाला है, लेकिन इस महल की रखवाली मैं करती हूँ। मैं, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगी। जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगी, कभी नहीं। अकेली हो सकती है, लेकिन मेरी बहन अकेली नहीं है। छोड़ दो इसे, सिद्धरूपा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सात रूपों में अलग अलग रहकर किसी के वश में नहीं आती। इसे साथ लाने के लिए और मेरे काबू में लाने के लिए शुक्रिया जानवी। सिद्धरूपा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तू रोकेगी मुझे? तू रुक जाओ डर। सिद्धरूपा जानवी, जानवी क्या किया तुमने? Are you okay? क्यों कर रहे हो तुम ये? और ये सब कुछ क्या हुआ? किसने किया सब कुछ? और सिद्धरूपा कहाँ पर है? दूर रहो मुझसे, नहीं पता तुम्हें, नहीं जानते। वो सिद्धरूपा को लेकर चली गई। अगर मेरी इतनी फिक्र है ना, तो जाओ जाकर सिद्धरूपा को मेरे पास लेकर आओ। तुम और तुम्हारी माँ मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हमें बचा सकती थी, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। तुम्हारी माँ उसे भी लेकर चली गई। लेकर आओ उसे, लेकर आओ, लेकर आओ उसे। आखिर सिद्धरूपा है कौन? ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि दोनों जानवी और माँ उसे काबू करना चाहते हैं? जानवी ने तुम्हें क्यों आजाद किया है? क्यों जगाया उसने तुम्हें? मणि के बारे में क्या जानती हो? कौन सी मणि? मैं कुछ भी नहीं जानती। ये सम्मोहित हो चुका है, गुलाम है मेरा। ये वही करेगा जो मैं कहूंगी। Push me out!
ये मैं क्या कर रहा था? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं अपने वश में नहीं था। दीदी इसकी शक्तियाँ जानकर भी तुमने इसकी आंखों में आंखें डाली। मुझे गलती हो गई थी। अब आज के बाद इसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना, ना जाने तुम्हें ये वश में करके क्या क्या करवाएगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी। खोलो मुझे। अब तू मेरे काबू में है, बिल्कुल बेबस। अब इस पट्टी के बाद तू अपना सम्मोहित जादू किसी पर नहीं चला पाएगी। अब तुम्हारा जादू किसी काम का नहीं। जानवी बेटा, अब हम क्या करेंगे चाचू? कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचू। एक ही रास्ता था हमारे पास, सतरूपा को जगाकर मणि तक पहुंचने का। लेकिन हम, अब ना तो सतरूपा हमारे पास है और ना ही हम उसे उसे मणि का राज पता कर सकते। वो डायन के कैद में है। एक बार हमें मणि मिल जाती उसके बाद हम लोग डायन को खत्म कर सकते हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन चाचा जी, पूरे महल को छान मारा, सतरूपा कहीं भी नहीं है। चाचू चाचू, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कोई तो रास्ता होगा डायन तक पहुंचने का। डायन कहाँ होगी? प्लीज मुझे बता दीजिए, हमें सतरूपा को बचाना होगा। बेटा सतरूपा महल में नहीं है, डायन की गुफा और बाकी उसके छुपने की सारी जगह तुम देख चुकी हो। वो सतरूपा को किसी ऐसी जगह पर छुपाने की गलती नहीं करेगी। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। क्या? वो ना हो सतरूपा को लेकर अपने साथ अपनी दुनिया में गई होगी, डायन लोक में। क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां सतरूपा उसके काबू में रह सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। डायन लोक? मुझे जाना है, मुझे बताइए कैसे जा सकते हैं डायन लोक। बताइए चाचू, कोई तो रास्ता होगा, मुझे बताइए कैसे जा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। डायन लोक में कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, ये वहां के नियमों के खिलाफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? इधर खड़े रहे बैठे बैठे अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखे, यही करें हम लोग? मैं ऐसा नहीं कर सकती चाचू, ये मेरे से नहीं होगा। मैं अपने परिवार के एक एक सदस्य को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा इन लोगों को बचाने के लिए, डायन को रोकने के लिए। हमें मणि तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसका एक ही तरीका है कि डायन लोग जाना। बेटा शांत रहो, तुम पहले शांत रहो। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। क्या समझू चाचू? डायन ने फिलहाल ये कहा है कि वो घर के हर सदस्य की हत्या कर देगी हर दिन। मैं घर के किसी भी सदस्य की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बात को समझो तो। ठीक है, मत कीजिए मेरी मदद। अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरी मदद मत कीजिए, चले जाइए आप। हम सब लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। आपको मेरी मदद नहीं करनी है ना, तो मत कीजिए। लेकिन मैं भी अपने परिवार को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। बेहतर यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। नहीं 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 बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं तुझको सब बताता हूँ, पर तू इसको फेंक पहले, तू तो बताऊंगा। नहीं चाचू, पहले बताइए आप। बेटा तू पहले बताइए चाचू, कहाँ मिलेगी डायन मुझे? ठीक है, शांत शांत रहे, सब बताता हूँ। कुछ करना मत तुम। एक बाबा है, उनका नाम है अयामी बाबा। वो बहुत ही सिद्ध तांत्रिक है। वो एक ऐसा मंत्र जानते हैं जिससे एक लोक से दूसरे लोक तक जाया जा सकता है। वो एक ही बाबा है जो किसी इंसान को डायन लोक तक भेज सकते हैं। चलिए चाचू, हम अयामी बाबा के पास चलते हैं, हमें डायन लोक जाना है। चलिए डायन लोक।
मैं जाऊंगा डायन लोक। भैया हाँ मैं जाऊंगा, बड़ा भाई हूं मैं तेरा, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अनजाने में ही सही लेकिन मैंने तुम सभी लोगों को बहुत दुख दिया है, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया टाइम के वश में आकर किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चाचू टाइम के बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, और शत्रुपा वो सिर्फ मेरी बात सुनेगी क्योंकि उसे उसे 500 सालों के बाद मैंने आजाद किया है, तो मुझे ही जाना होगा टाइम लोग। अब मुझे रास्ता बताइए। एक बार फिर सोच लो बेटा। सोच लिया चाचू। बेटा बहुत खतरा है वहां पे। चाचू सोच लिया, चलिए हम आमी बाबा के पास चलते हैं। नहीं बेटा इस समय नहीं जा सकते हम, प्रातःकाल वो अपनी साधना में लीन होते हैं, किसी से बात नहीं करते, उनसे हम रात को ही मिल सकते हैं, हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मणि के बारे में क्या जानती है? कौन सी मणि? मैं किसी मणि के बारे में नहीं जानती। माँ क्या कर रही हो? कौन है लड़की और ये यहाँ क्या कर रही है? ये वही लड़की है जो लाल पत्थर से बाहर निकली है। अगर जानवी ने इसे बाहर निकाला होगा तो इसका कोई न कोई मतलब जरूर होगा। ये सब रूपा है राजमहल की शातिर जादूगरनी, राजा के कहने पर ही जानवी ने इसे आजाद किया होगा, वरना वो लाल पत्थर क्यों मांगती? एक मामूली इंसान ऐसी चंचल शातिर जादूगरनी तक नहीं पहुंच सकती। अगर राजा ने इस तक पहुंचने का रास्ता बताया है तो जरूर इसे कोई मणि का राज मालूम होगा। मतलब जानवी मेरा इस्तेमाल कर रही है। ब्रजेश चाचू ये कैसी जगह है? वो आयामी बाबा यही रहते क्या? हाँ बाबा, आयामी बाबा। चाचू आपको पक्का यकीन है बाबा यहाँ पे ही रहते हैं ना? हाँ बेटा, वो इस जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जाते। भैया अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चमगादड़ ही तो है। बाबा क्यों आए हो यहाँ? बाबा ये मेरी भतीजी है जानवी, इसको टाइन लोक भेजना है। बाबा आप मना मत करना, बाबा ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ इसको। ये कैसा अनर्गल प्रस्ताव ले आए हो तुम? चलो चलो। बाबा बाबा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उसे डायन लोग जाना ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मूर्ख, इसे डायन लोग भेजना बहुत जरूरी है। अरे अगर तुम्हें इसके प्राण ही लेने हैं इसका गला काट दो, कम से कम इसे आसान मौत तो मिलेगी, वहां डायन लोक में ये तड़प तड़प के मर जाएगी। बाबा मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारे परिवार की जान खतरे में है। बाबा इसका जाना बहुत जरूरी है। पापा बंद कर अपनी बकवास। डायन लोग भला इंसानों के जाने की जगह है? अरे वहां जाकर कोई नहीं बच सकता, न तुम बच पाओगी न किसी को बचा पाओगी। डायन लोग तो नरक से भी बदतर जगह है, समझे? जाओ यहाँ से। पापा पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे रोज तिल तिल कर मरने से तो बेहतर है कि मैं अपने परिवार को बचाते वक्त अपनी जान दे दूं। मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं देख सकती, डायन एक एक करके मेरे परिवार के हर एक सदस्य को मारने वाली है। बाबा बाबा आप ही सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपके परिवार के एक एक सदस्य मरने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज बाबा अभी हमारी आखिरी उम्मीद है, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए बाबा प्लीज। वहाँ बहुत खतरा है लड़की। मुझे मंजूर है, हाँ आप बस इतना बता दीजिए कि डायन लोग कैसे जा सकते हैं। सप्तरूपा जरूर मणि के बारे में कुछ जानती है, इसीलिए तो जानवी इसके पीछे पड़ी हुई है। जानवी इस तक पहुँचे उससे पहले मुझे मणि का राज जानना ही होगा। मुझे वो मणि किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी। लेकिन ये अपना मुंह ही नहीं खोल रही।
मणि के बारे में क्या जानती हो तुम? इसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना, ये तुम्हें अपने सम्मोहन जाल में फंसाकर तुम्हें अपने काबू में कर लेगी। बहुत शक्तियां हैं इसमें। एक अलग सा जादू है तुम्हें आकर्ष, एक नशा सा कि तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ खींची चली आई, ना होश ना खबर। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे इतना करीब आके दूर नहीं जाना चाहती। उस दिन जो अधूरा छोड़ दिया था उसे आज पूरा कर ले। मेरा हाथ खोल दो, कहो अपनी माँ से कि मुझे छोड़ दे। मेरी तरफ देखो आकर्ष, मैं जानती हूं कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूं। मेरा हाथ खोल दो। मणि कहां है सतरूपा? बताओ मणि कहां पर छुपा के रखी है तुमने? बता दूंगी कि मणि कहां है, पर मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा बेटा। मुझे आकर्ष दे दो, उससे मेरी शादी करवा दो, मुझे मेरा प्यार मिल गया तो तुम्हें तुम्हारी मणि। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचना भी मत। सोच लो, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त है। माँ, आप लोग यहां से जाओ, इसे तो मैं देखूंगा, इसे बताना ही होगा कि मणि कहां पर है। डायन लोग खतरे से खाली नहीं है, खतरे का दूसरा नाम डायन लोक है। वहां कदम कदम पर खतरा है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इसलिए एक बार सोच समझ कर फैसला लीजिए। सोच लिया है बाबा, अब पूजा शुरू कीजिए। तो फिर ठीक है, तुम्हारा ये शरीर डायन लोक में नहीं जाएगा, ये शरीर यहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और आत्मा डायन लोक में जाएगी। आत्मा के बिना शरीर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती, तो सड़ने लगती है, गलने लगती है। अगर तू एक घंटे से कम समय के अंदर नहीं आई तो तेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर वो सूक्ष्म शरीर वही डायन लोक में ही फंस जाएगी, समझी? जी बाबा, मुझे मंजूर है। नहीं जानवी, जानवी वहां बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भैया मेरी बात सुने, मुझे कुछ नहीं होगा, सतरूपा को बचाना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है भैया। और मैं सतरूपा को बचाने जा रही हूँ तो वो मेरी मदद जरूर करेगी, उसमें भी शक्तियां हैं और आकाश भी तो होगा वहां पे। आई एम श्योर वो भी मेरी हेल्प करेंगे, अब फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जानवी, सोच समझ के घर जो भी करना है। मैंने सोच लिया है बाबा, अब विधि आरंभ कीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो ध्यान से सुन, ये रेत घड़ी है, इसमें रेत खत्म होने के पहले ही तुम्हें वापस आना है। अगर तुझे जिंदा रहना है तो इसके रेत खत्म होने के पहले तेरी आत्मा को अपने शरीर में वापस लौटना होगा।
क्या जानती हो तुम मणि के बारे में? कहाँ है वो बताओ। मेरे पास तो आओ, मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। एक बार मेरी आंखों में देख के कह दो, सुंदर नहीं लगती तुम्हें? सत्रुपा जवाब दो। पहले तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मुझे छूना नहीं चाहते? अगर मेरी खूबसूरती ने तुम्हारा चैन छीन लिया फिर क्या करोगे? मेरे पास आओ आकर्ष। जाओ जाकर उसे लेकर आओ। अब मुझे मारोगी, डराओगी? तुझे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है ना? आज मैं तेरा घमंड तोड़ दूंगी, तेरा चेहरा जल जाएगा। आज तेरी खूबसूरती मैं तबाह कर दूंगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी। रुक जा डायन, मेरे चेहरे से दूर रहना। मेरे चेहरे को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, बताती हूं कि मणि कहां है। ये तो किसी खतरे का संकेत है। डायन लोक में कोई इंसान घुस आया है। इंसान डायन लोक में कैसे घुस सकता है? ऐसी जरूरत कौन कर सकता है? तुम इस पे नजर रखो। काल नेमी, तुम मेरे साथ चलो। कौन हो सकता है? कोई इंसान यहाँ कैसे पहुंच सकता है? तुम इस पर नजर रखो, मैं बाहर होकर आता हूँ। चांदी, चांदी, तुम यहां कैसे आ गई? Are you okay? चांदी, चांदी, इस तरफ गई वो। इतना टाइम हो गया भैया, चांदी वापस क्यों नहीं आई अभी तक? इसकी स्थिति देखकर प्रतीत होता है कि ये फिलहाल ठीक है। अभी तक तो ये ठीक लग रही है, वक्त रहती है वापस आ जाए बस। मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। जानवी आंखें खोलो, जानवी आंखें खोलो, जानवी आंखें खोलो,
तुम ठीक हो ना जानवी? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जानवी क्यों खेल रही हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुमको कोई अंदाजा कि कितना खतरा यहाँ पर आके? आई नो आकर्ष, लेकिन मैं यहाँ सतरूपा को छुड़वाने आई थी। जानवी ऐसा नहीं होगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम एक आम इंसान हो? तुम्हारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डायन से है। उसके पास बहुत शक्ति है, तुम नहीं लड़ पाओगी, सतरूपा नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम वापस इंसानों की दुनिया में चली जाओ जानवी, प्लीज। नहीं आकर्ष, मैं सतरूपा को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। चप्पा चप्पा सूंघो, सूंघ के ढूंढना उसे। कोई इंसान हमारी दुनिया में कैसे आ सकता है? मुझे वो जिंदा चाहिए। जानवी क्यों तुम जिद कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ना, मैं सतरूपा को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मरना कोई मजाक है क्या जानवी? अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं तो कम से कम मेरी। जानवी कितनी सारी जानें जुड़ी हैं तुम्हारे साथ, अपना नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। उनके लिए सोच रही हूँ, इसके लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारी उस माँ से अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, और इन सब में मेरी जान क्यों ना चली जाए। आकर्ष तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एक डायन हो ना, मैं जीऊँ मरूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो यही चाहिए। तुम मर जा रहे हो तो मुझे, लेकिन कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि मैंने कोशिश तो की थी अपने परिवार को बचाने के लिए। जानवी माँ आने वाली, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, प्लीज चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, प्लीज चली जाओ जानवी, प्लीज। वो इंसान जो भी था यही कहीं पर था कुछ देर पहले, उसकी खुशबू हवा में है, सूंघो, यही था वो इंसान। बाबा बाबा देखिए, मेरी बहन अब तक वापस नहीं आई, उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है। बाबा उसे डायलॉग से वापस लाने का कोई तो रास्ता होगा, उसे जबरदस्ती वापस ले आओ। बाबा उसे वापस ले आओ। आत्मा को खींच कर लाने का कोई तरीका नहीं, आत्मा को खुद वापस आना होगा। अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, फिर लड़की हमेशा हमेशा के लिए डायलॉग में फंस कर रह जाएगी। जल्दी से इनके हाथ खोल दो, मुझे बांध के रखना इतना आसान नहीं है। सतरूपा, सतरूपा, घबराओ मत, इसकी जान को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, दिल जो आया है इस पर, अगर इसे दर्द होगा तो तकलीफ मुझे ही होगी। डायन लोग क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आई थी, तुम्हें यहां बचाने आई थी मैं। सही समय पर पहुंची हो, कुछ ही पलों में मणि का राज खुलने वाला था। जानवी तुम जाओ यहां से, इससे पहले कि मां जाए, जाओ। वाह, इसे कहते हैं रूहानी इश्क, सच्चा प्यार। तुम्हें और तुम्हारी मां को मणि तक पहुंचना है, मकसद पूरा करना है, पर इसकी जान बचाने के लिए मुझे जाने दे रहे हो? जानवी, 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 बाबा, जानवी, देखो, 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 कुछ भी करो, इसे बचा लो, इसे वापस ले आओ बाबा। जानवी, बाबा, बेटा के खोलो बेटा, जानवी। अपने आशिक में इसी तरह खोई रहोगी तो जान से जाओगी। चले, मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम, मुझे सिर्फ यहाँ तक आने का रास्ता पता था, अपनी दुनिया में जाने का रास्ता नहीं पता। अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी जान से खेल गई। अब समझ में आया कि राजा ने सिर्फ तुम्हें क्यों मणि का राज बताया, क्यों मुझ तक पहुँचाया।
जानवी सबका वक्त नहीं, तुम जाओ प्लीज यहां से जाओ सतरूपा जाओ। अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं खोलना मत। रेत भर रही है, अगर ये समय निकल गया तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा कभी एक नहीं हो पाएंगे। यहीं रह जाओगी डायन लोक में। चांदी चाओ नहीं जानता माँ, मैं यहाँ पर आया तो किसी ने मुझे पीछे से वार किया और मुझे पता नहीं लगा उसके चेहरे पे नकाब था, कोई शत्रुपा को बचा के लेके चला गया। कहानियां मत बनाओ, सैनिकों ने बताया है कि जो इंसानी दुनिया से आया था वो घुसपैठ कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री थी। ऐसी कौन सी स्त्री हो सकती है जो तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देकर तुम्हारी आंखों के सामने से शत्रुपा को छुड़ा कर ले जाए? किसके लिए हार मानी है तुमने? बताओ किसके लिए हार मानी है? कौन थी वो लड़की? बता मुझे कौन थी वो? सच बताओ वो लड़की कौन थी? देख मुझे मालूम है कि तू जानता है वो कौन थी। कौन थी वो लड़की? जवाब दे। इंसानी दुनिया से डायन लोक में आई और इतनी आसानी से चली भी गई, नामुमकिन, कैसे हुआ ये? मैं नहीं जानता वो कौन थी, जो भी थी वो शत्रुओं से लेके जा चुकी है। गई जैसे भी हो, सवाल यह है कि वो यहाँ आई कैसे? क्या छुपा रहा है हमसे आकर्ष? कौन थी वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसकी जाने जिगर माशी का जानवी हो? जानवी, मैं तुझे कितनी बार आगाह कर चुका हूँ कि जानवी का नाम लेके मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर। भड़का नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्योंकि जानवी के अलावा और कौन लड़की ऐसी जुर्रत कर सकती है? जुर्रत? शायद आप लोग इल्जाम लगाते लगाते ये भूल गए हैं कि कोई भी आम इंसान डायलॉग में नहीं आ सकता। किसी के पास भी इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो डायलॉग में आ सके। तो फिर कौन थी वो लड़की? हमें नहीं जानता कि वो कौन थी। शायद वो सप्तरूपा की दोस्त होगी जो उसे बचाने आई होगी। झूठ बोल रहा है। चुप चुप, ये सही कह रहा है, कोई इंसान डायलॉग में नहीं आ सकता है, ये हो ही नहीं सकता। वो जानवी नहीं थी, कोई और ही थी। चलो चल कर सुराग ढूंढते हैं, पता करते हैं कि वो कौन थी। माँ को तो मैंने समझा दिया, बस जानवी सही सलामत इंसानी दुनिया में वापस पहुंच जाए। कुछ करो बाबा। मैंने कहा था ना, किसी इंसान का डायलॉग में जाना खतरे से खाली नहीं है, परंतु तुम मूर्खों ने मेरी बात नहीं सुनी। मौत के मुंह में अपना सर डालने से जिंदगी नहीं मिलती। अब भुक तो प्लीज प्लीज बाबा, आप तो एकदम शक्तिशाली है, आप कुछ करिए ना, उसके आने देखिए बाबा, चांदनी को वापस लाइए। कुछ करो बाबा, मेरी बहन को वापस लाओ बाबा, प्लीज बाबा कुछ तो करिए बाबा। अरे किधर जा रहे हो बाबा? चांदनी चांदनी जरूर उठो। चांदनी 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 आंखें खोलो। चांदनी चांदनी आंखें खोलो बाबा। इस तंत्र का यही नियम है, यदि आत्मा समय रहते शरीर के भीतर वापस न लौटे तो उसे नष्ट करना ही पड़ता है। देखो देखो देखो, मेरी बहन जिंदा है। जानवी ठीक है, पानी लेके आओ। पानी जानवी, पानी जानवी, जानवी पानी। वो ठीक है? इसके हालत ऐसे क्यों है? इतनी कमजोर क्यों है? इस लड़की का सूक्ष्म शरीर आखिरी सांस लेने के वक्त लौटा है, इसलिए कमजोर है। इसका जीवित बचना बहुत कठिन है। नहीं नहीं बाबा, मेरी बहन अभी अभी इतनी मुश्किल सफर से वापस आई है, ये हार नहीं सकती है, टूट नहीं सकती है, मर नहीं सकती। जानवी हिम्मत रखो, जानवी तुम्हें कुछ नहीं होगा।
जानवी ठीक है, देखो इसके शरीर में जान है पर शक्ति नहीं। इसे महल वापस ले जाइए, इसे आराम की जरूरत है। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो मैं फिर मिलने आऊंगी। बहुत बहादुर हो तुम जानवी। जानवी, जानवी, जानवी तुम ठीक हो ना? वीर, जानवी वापस आ गए और सतरूपा को भी ले आए, इसका मतलब अब हारे नहीं है। हम अभी भी जीत सकते हैं भैया। जानवी, हम अभी भी जीत सकते हैं। पता नहीं जानवी कहाँ होगी, कैसी होगी। आंखों के सामने रहती है तो तसल्ली रहती है। हाँ भी नहीं है ये अब तक। मैंने महल में हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। हर जगह चेक किया मतलब? तुमने महल का एक एक कोना चेक किया कि नहीं? तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? तुम्हीं ने तो उसे कहीं छुपा के रखा है। अब बताओ कहाँ है हमारी बच्ची? जी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। मैं सच में नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। पैलेस छोड़ के वो कहाँ जा सकती है? तुम एक बार फिर से चेक करो आशा। जी भैया। जानवी, जानवी कैसी है तू बेटा? हबीब, क्या हुआ हबीब? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं पापा, तो थोड़ी सी चक्कर आ गई थी। अच्छा हुआ वो भैया और चाचू वहीं पे थे, उन लोगों ने संभाल लिया। इतनी परेशान रहती है बेटा तो कमजोरी तो आएगी ना। मैं उसे कमरे में छोड़ के आता हूँ। चल चल संभाल के। आराम करो जानवी। कैसी हो जानवी? मैं ठीक हूँ। क्या मैं जानवी से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो भी बात करना है हमारे सामने करो। भैया, आज अगर आपकी बहन जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ आकाश की वजह से। अगर आकाश नहीं होते तो मैं टाइम लोग से वापस नहीं आ पाती। बात करने दीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है जानवी। जानवी को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी हो तुम? थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। जानवी, थैंक यू बोला मुझे बंद करो। तुम्हें मेरी फिक्र भी है, क्यों बार बार अपनी जान को खतरे में डाल देती हो तुम? तुम्हें कोई अंदाजा भी था कि क्या हो सकता था तुम्हारे वहां पर? अगर माँ वहां आ जाती, कोई तुम्हें देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाता वहां पर। क्यों आई थी तुम वहां पर? मैं सतरूपा को बचाने आई थी। और तुम्हें लगता है कि उसको बचाना आसान है क्या? मेरी माँ के कैद में से किसी को निकालना का बच्चों का खेल है। जानवी, बिना वापस जाने का रास्ता जाने बगैर तुम वहां पर आ गए। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता तुम्हारे साथ? तुम्हें पता भी है कुछ? प्लीज जानवी यार, क्या क्यों लड़ रही हो तुम? ये क्यों इस लड़ाई के पीछे पड़ी हो? क्यों मणि को हासिल करना चाहती हो? ऐसा क्या है उस मणि में? मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा। प्लीज वापस चले जाओ। प्लीज छोड़ दो उस मणि को हासिल करना, और प्लीज छोड़ दो उस मायावी शक्ति सतरूपा से मिलना। नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती मैं। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्या उस मणि में ऐसा तो नहीं कि उसकी शक्ति जान के तुम्हें भी उसे पाने का लालच आ गया है? हर कोई तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह नहीं होते जिसे मनी पाने की लालच होती है। सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो सुनो, सच्चाई ये है कि मनी पाकर मैं तुम्हारी माँ उस डायन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। आशा, आशा, जब काम होता है तभी क्यों गायब होती है? आशा,
प्राची, 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 क्या हुआ यहाँ पर? कौन था? प्राची, रुके, 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 तुम्हारी असलियत जानने के बावजूद भी तुम्हारे प्यार को मैंने महसूस किया था और इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी खातिर मैं उस टाइम को छोड़ दूंगी, कुछ नहीं करूंगी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो एक डायन है और वो बदल सकती है, उसमें इमोशंस हो सकते, फीलिंग्स हो सकते, लेकिन सच्चाई जानते हो तुम? तुम्हारी माँ ना तो किसी से प्यार कर सकती है और ना ही किसी पर रहमत कर सकती है, और जनंता भाभी को मार कर तो तुम्हारी माँ उस डायन ने सारी हदें पार कर दी। एक मासूम बच्चे, उसके सर पर से माँ का साया छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए वो बच्चा। श्रेयांश, बबलू, रिम्पी, किसी को नहीं छोड़ा तुम्हारी माँ ने, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूँ? उन्होंने धमकी दी थी, यही धमकी दी थी ना कि हर रोज मेरे परिवार के एक एक सदस्य को मार देगी। तुम चाहते हो कि मैं चुप बैठ जाऊं? हाँ, लालच है, मनी पाने की लालच है मिस्टर आकाश चौधरी, और इसलिए लालच है क्योंकि मैं डायन का साया इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ, खत्म कर देना चाहती हूँ तुम्हारी माँ को। जानवी, तुम मेरी माँ को मारने की बात कर रही हो और तुम जानती हो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रोकोगे तो एक बात कान खोल कर सुन लो, लड़ना है ना मुझसे लड़ो, मैं तैयार हूं तुमसे लड़ने के लिए। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? बस ऐसा ही प्यार हमें चाहिए और हम ये प्यार पाकर रहेंगे।